अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बताओ किससे बात कर रहे थे, जवाब दो। नहीं। ठीक है, फोन दिखाओ हमें अपना। हमने कहा फोन दो हमें, छोड़ दो वरना ठीक नहीं होगा, समझे? तुम्हारे पैर पड़ रहे हैं, इन्हें आशीर्वाद दो और इनसे कहो कि कोई गलती ना करे। वध अभी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि हमें तुम्हारे जैसे लोगों की सोच को इस समाज से मिटाना है। देख रहे हैं आप लोग, आप लोगों के बढ़ावा देने की वजह से कैसे एक आदमी जबरदस्ती हमारे घर में घुसकर हमारा पति और हमारी बेटी का बाप बनकर बैठ गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम एक अकेली माँ हैं। तो क्या कोई भी आदमी आकर हमें अपनी पत्नी और हमारी बेटी को अपना बाप कह पाएगा? और ये सब कुछ इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि आप लोग इसके साथ खड़े हैं। आखिर क्यों एक बिन बाप की बच्ची के लिए एक बाप का होना जरूरी है? क्या सिर्फ एक माँ काफी नहीं है? और तुम हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हमारे साथ ये गंदा खेल खेलने की? बता किसके कहने पे किया तुमने ये सब? बता किसके कहने पे किया? गोपी के घर के बाहर इतने लोग क्यों इकट्ठा? सब ठीक तो है? ये
जीत कहाँ रह गया? कन्याओं को लेने गया था, अभी तक नहीं आया लेके। आओ आओ। अरे वाह, सारी कंचके आ गई। सुंदरी, जरा उर्ली लेके आना। अब जीत कहाँ रह गया? कुंदन तुम्हारे साथ ही गया था ना? हाँ थे तो, लेकिन अभी गाड़ी लेके पता नहीं कहाँ निकले। लेकिन हाँ हाँ, हो सकता है वो गोपी को लाने गया होगा। रूपा, कुंदन, तुम लोग शुरू करो। आओ आओ बच्चों। जीत गोपिका के घर गया, लेकिन वहां तो इस वक्त तमाशा हो रहा होगा। अगर गलती से डर के मारे डॉक्टर विश ने हमारा नाम सबके सामने उगल दिया तो, और अगर जीत और कृष्णा एक दूसरे के आमने सामने आ गए तो क्या होगा? तुम्हें क्या लगा कि गोपिका के पापा अगर उसके साथ नहीं है तो क्या वो उसके पास भी नहीं होंगे? वो यही है। गोपी बेटा इधर आओ। गोपी, ये अंदर से किसके चिल्लाने की आवाज आ रही है? हमारी माई। हमने आपको बताया था ना उन गंदे अंकल के बारे में, जो हमारे पापा बन के आ गए। आज मैं उनका सच सबके सामने लाई है। हम देखते हैं। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। अब पुलिस ही आकर तेरा मुंह खुलवाएगी। कृष्णा फोन। जीत, यहाँ कैसे आ गया? क्यों आया ये यहाँ? अगर जितना हमें देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, बहुत गलत हो जाएगा। क्या क्या करें हम? कैसे बचे इससे? इस मिट्टी को माँ का आशीर्वाद समझ के लगा लेते हैं, शायद इससे हमारी मदद हो जाए। अब देखिए जननी एआई की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। सुनामी यहाँ देख लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। वो माफ कीजिएगा, हम पकड़ नहीं पाए उसे। आप अपना हाथ दीजिए। आइए ऊपर आइए। अरे माई को तो कीचड़ लग गया। आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं लगी? चोट तो बहुत गहरी लगी है जीत, जिसे ना हम कभी दिखा पाएंगे
और ना ही तुम समझ पाओगे। देखिए आप चिंता मत कीजिए, हम अभी पुलिस को कंप्लेंट कर देते हैं। नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमने सब लोगों के सामने सच ला दिया है और अपनी बात को साबित भी कर दिया है, इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। अगर पुलिस यहाँ आ गई तो हमें भी तुम्हारे सामने आना पड़ेगा, जो हम किसी कीमत पर नहीं चाहते। वैसे एक बात पूछे हम आपसे। देखिए बुरा मत मानिएगा, आखिर गोपी के पापा हैं कहाँ? शायद अगर आज वो यहाँ होते तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती। आपको इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और गोपी के पापा नहीं है तो क्या हुआ, माँ है ना, गोपी की माँ सब संभाल लेगी। जी हाँ हाँ बिल्कुल सब संभाल लेंगी, और वैसे भी हमने आपसे बहादुर लड़की आज तक नहीं देखी। सच कहें तो देखिए बहुत करीब से देखी और बहुत अच्छे से जानते भी हैं उसे। कौन है वो खुशनसीब, किसकी बात कर रहे हैं आप? जी है कोई, हमारा मतलब थी कोई। हे महादेव अब क्या करें, हम हमारी रक्षा करना। गोपी सुनिए, देखिए दरवाजा खोलिए। माई दरवाजा खोलो, उस्ताद जी आया। माफ कीजिएगा अगर हमारी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो, हमें लगता है कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं हम आपकी फैमिली के साथ। अगर आप बुरा ना माने तो अपना नाम बता सकती हैं आप हमें? आप हमें सब इंस्पेक्टर बुला सकते हैं और हम बिल्कुल ठीक हैं। अब हमें लगता है कि आपको घर जाना चाहिए त्योहार का दिन। पता नहीं क्या हो गया हमें, जब बात गोपी की आती है तो इतने इमोशनल क्यों हो जाते हैं आप, और आज तो हमें उसकी माँ के लिए भी बुरा लग रहा है। देखिए हम जानते हैं आप अकेले सब संभाल लेंगी, पर पता नहीं क्यों टेंशन हो रही थी हमें। आप हमारी टेंशन मत लीजिए, कितने साल हमने इतना कुछ अकेले देख लिया है कि अब हमें हर मुसीबत का सामना करना अकेले ही आ गया है। जी बिल्कुल आप सब अकेले संभाल सकती है जानते हम, और आपने अपनी बच्ची को और खुद को बहुत अच्छे से संभाला है। इस समाज से अकेले लड़ते हुए बहुत अच्छी परवरिश दी आपने अपनी बेटी को, आपकी परवरिश देखकर हमें हमारे अतीत से किसी की याद आती है। बहुत बहुत प्यारी बच्ची है आपकी, शायद इसलिए हम उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। इन सब बातों में तो हम भूल ही गए कि हम यहाँ आए क्यों थे।
दरअसल नवरात्रे चल रहे हैं ना, तो हमारे घर पे कन्या पूजन है। हम बस उसी के लिए आपकी बेटी को लेने आए थे। आप भेज देंगी तो बहुत अच्छा लगेगा हमें, वरना उसके बिना हमारे घर की कन्या पूजा अधूरी रह जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है बात? आप चाहे जितनी कोशिश करते लेकिन नियति बार बार जीत और गोपी को करीब ले आती है। हम अपनी बेटी से उसकी खुशियां नहीं छीनना चाहते हैं। क्या करें, क्या करें, समझ नहीं आ रहा हमें। आप सुन रही है ना, हम ले जा सकते हैं आपकी बेटी को। महादेव, अगर आपकी यही मर्जी है तो एक बार तो गोपी को जीत के साथ जाने देते हैं। गोपी भी तो कितनी खुश हो जाती है जीत के साथ रह के। अच्छा ठीक है, आप गोपी को अपने घर ले जाइए, लेकिन हमारी गोपी का ध्यान रखिएगा प्लीज। जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे उसका। गोपी हमारी बेटी जैसी है। ये चलते हैं, धन्यवाद। बहुत ही बहादुर बच्ची है अमरी। उस धोखे बाद विष को झूठा साबित करके भगाकर ही घर से दम लिया तूने। अभी की मुसीबत तो टल गई है दादी, लेकिन हमें पता लगाना होगा कि कौन है जो ये सब कर रहा है और क्यों। ये बात है, पता नहीं वहां क्या चल रहा होगा। कहीं कृष्णा के सामने ना आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। और ये विष्णु पता नहीं आज अपना फोन क्यों नहीं उठा रहा है। हेलो, क्या हो गया तुम्हें? हो कहा तुम? कब से कॉल कर रहे हैं हम तुम्हें, तुम्हारा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? और जीत वहां आ गया है क्या? मैडम जीत का तो नहीं पता, लेकिन कृष्णा के सामने हमारा भांडा जरूर फूट गया है। क्या तुमने कहीं कृष्णा के सामने हमारा नाम तो नहीं ले लिया ना? कृष्णा हमारे बारे में कुछ जानती तो नहीं है? और जीत भी वहां पर है क्या? जीत वहां पहुंच गया है क्या? मैडम मेरे निकलने तक जीत वहाँ नहीं था, और मैं इतना भी पागल नहीं हूँ कि मैं आपका नाम वहाँ उगल दूँ उसके सामने। कहीं ऐसा ना हो जीत कृष्णा के सामने आ जाए। हमें ना जल्द से जल्द जाकर जीत को वापस लेकर आना होगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। आपका प्रसाद। अरे वाह,
आपने तो बहुत अच्छा स्टंट किया, लेकिन ये किया कैसे? माँ, ये बच्ची स्ट्रॉन्ग होने के साथ दिमाग वाली भी है। अरे आपने तो हमारी माई को नहीं देखा है, वो तो इससे भी बड़े बड़े स्टंट्स करती है। वो तो माता रानी ने हमें सही टाइम पर सही जगह पहुंचा दिया। कृष्ण भी ऐसे ही कुछ कहा करती थी। मम्मी जी, अब काफी लेट भी हो गया है ना, अब कंजक पूजन भी करना है और सारे बच्चों को भूख भी लगी होगी, शुरू करें? माता रानी, हमें आशीर्वाद दीजिए। आप ऐसे ही हमेशा हैप्पी रहो और हमारी हेल्प के लिए आते रहो। यूं तो हमें बच्चों से कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि हम खुद एक माँ हैं, मगर तुमने हमें पुरानी वाली गौरी बनने पर मजबूर कर दिया है कृष्णा। आज पहली बार गोपिका कंजक के लिए अपने घर गई है, अपने असली घर। काश उसे पता होता कि वही उसका अपना असली परिवार है। उसके पापा जी भी है। हमारा दिल कभी कभी ये सोचकर बहुत घबरा जाता है कि कहीं हम गोपी के साथ गलत तो नहीं कर रहे। बेटा तू चिंता क्यों करती है, भोलेनाथ सब ठीक करेंगे, परेशान मत। हे महादेव, हमें पता है आपकी लीला के आगे कोई कुछ नहीं है। अब जो भी होगा वो सब हम आप पर छोड़ रहे हैं कि एक बेटी को उसके पिता से मिलवाना है या नहीं।